हेलो गाइस, मैं उलीशा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यू न्यूज़ में। गाइस, आए दिन खबरों में कई ऐसे किस्से सामने आते हैं जो कि बेहद चौंकाने वाले होते हैं और सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है जब एक युवक ने अपने पिता की पेंशन को पाने के लिए कुछ ऐसा काम कर दिया जो कि लोगों की सोच से भी परे है। एक शख्स ने रेलवे को पत्र लिखा जिसे केंद्र सरकार को भेजा गया है और ये शख्स पहले लड़का था लेकिन लिंग परिवर्तन करा कर ये लड़की हो गया और अब रेलवे से पिता को मिलने वाली पेंशन की मांग कर रहा है। दरअसल उसके पिता की मृत्यु साल 2017 में ही हो गई थी और वे एक रिटायर्ड रेलवे कर्मी थे। गाइस, आपको ये भी बता दें कि रेलवे ऐसे सभी परिवारों को पेंशन देता है जो परिवार उसी कर्मी पर आश्रित हो, यानी कि कर्मी के बेटे ना हो या फिर बेटा 25 साल की उम्र से कम हो। मतलब अगर किसी रेलवे कर्मी के परिवार में सिर्फ बेटियां हैं हो और उनकी शादी ना हुई हो तो उस परिवार को पेंशन मिल सकता है। दरअसल साल 2018 में चेन्नई स्थित दक्षिण रेलवे के ऑफिस में एक पत्र आया जिसके बाद ये मामला शुरू हुआ। रेलवे इस पत्र को लेकर किसी तरह के नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है और आखिर में रेलवे ने इस पत्र को केंद्रीय कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय को भेज दिया गया है और साथ ही पत्र की कॉपी केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भी भेज दी है और ये मामला बहुत ज्यादा पेचीदा है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि कोई ऐसा परिवार जिसमें 25 साल से अधिक उम्र का बेटा है वे फैमिली पेंशन के लिए योग्य नहीं है। हालांकि अविवाहित बेटी या फिर तलाकशुदा बेटी को लेकर कोई तय कानून नहीं है और असल में सरकारी कर्मचारियों के मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों को पेंशन देने का रिवाज चला आ रहा है। बेटे ने अपनी एक याचिका में इस बात का ये भी दावा किया है कि जब उसके पिता जिंदा थे तभी से वे महिला की तरह जीवन व्यतीत कर रहा है। उसने ये भी बताया है कि वे अविवाहित भी है और इस लिहाज से वे इस फैमिली पेंशन का हकदार है। वे पिता पर ही आश्रित बेटी है। गाइस, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।